ले आओ भी फिर एफएम को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें भी थोड़ी बेसिक बातें बताते हैं कि कोर्स किस तरह, क्या क्या कब होगा, ड्यूरेशन कैसी होगी, कोर्स कंटेंट क्या है। जिस तरह उन हिम्मत वाले बच्चे आगे बैठे हैं सामने कि भाई दो दो ग्रुप देने वाले, समझ गए कि नहीं। तो डिसीजन तो आपने लिया, बढ़िया। पर हमारी पहले भी इस पर डिस्कशन हुई थी कि भाई जो इसमें सेकेंड ग्रुप में दिक्कत वाले सब्जेक्ट हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए। और जिस तरह एडवांस और एफएम तो चलो आपने पढ़ने शुरू कर दिए हैं, तो बाकियों का भी पूरा अपना टाइम स्टडी टेबल बना के प्रॉपर रूटीन फॉलो करो ताकि ताई ग्रुप क्लियर होगा। ठीक है, चलो उस पर तो हम कभी और भी डिटेल में बात करेंगे। अजय एफएम का जो कोर्स है वो एक बार आपको ओवरव्यू दिखा दें कि भाई क्या है, फिर चैप्टर आज शुरू हो जाएगा। तो जी जिस तरह ग्रुप टू में आपके लास्ट ही पेपर में चला जाता है, क्योंकि जो पहले जो स्टोरी थी शायद आपको किसी में से पता किसी को पता हो कि आईपीसीसी जो कोर्स है जो अभी भी चल रहा है उसमें ये ग्रुप वन में ही है और कॉस्ट के साथ ही है, कॉस्ट एंड एफएम है। और वो 50 मार्क्स की कॉस्ट रखते हैं, सिर्फ 50 मार्क्स की एफएम रखते हैं, जो कि बहुत ही अनफेयर होता है क्योंकि उनके चैप्टर कॉस्ट के ऑलमोस्ट आपके जितने ही है, एक आधा चैप्टर कम है और साथ में उन्हें एफएम भी पढ़नी पड़ती है। तो इंस्टीट्यूट ने ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि जेड़ा एफएम है उसको अलग कर दिया। थोड़ा सा और अच्छा डिसीजन ले लेते, 100 नंबर का ही बना देते ना पूरा, 60 का क्यों बनाया, थोड़ी सी शेयर मार्केट मुर्केट वाले चैप्टर डाल देते जो फाइनल में एकदम से जाके समय नहीं आते, बेसिक फॉर्म में डाल देते ना तो बहुत बढ़िया होता। चलो होता है, उन्हें चीजों पे तो कंट्रोल नहीं, क्योंकि पहले मैं पढ़ाते पढ़ाते हर एक बैच में ये कहता होता था कि यार एफएम को अलग कर देना चाहिए, मैनेज करना बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है, सिलेबस पूरा होता, एक एक क्वेश्चन कराते हुए, तो बहुत बड़ी बात सुन ली गई, अलग होगी। पर 100 नंबर में नहीं आई, अब 60 नंबर में रखा। वेटेज स्कीम आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ स्टार्ट होता है तो पहले हम वेटेज दिखाते हैं कि भाई केड़े केड़े चैप्टर हैं और क्या वेटेज है। और जब बड़े चैप्टर चलते भी हैं तो ये साथ साथ हम देखते रहते हैं कि क्या है। पहले 10 से 15%, ये 10 से 15% 60 के अकॉर्डिंग होगा, मतलब मिनिमम 6 और मैक्सिमम कितना 9, इसमें ये चैप्टर रखे हैं जिसमें पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्योरली थ्योरी है और ये पक्का ही पता है कि इसमें से आना, क्योंकि जब ये कंबाइंड भी होता था तब भी यहां से थ्योरी आती आती थी और जो एक अटेम्प्ट हुई और आगे भी होती रहनी है तो थ्योरी यहां से आनी आनी है। फिर आपका जाना बचाना चैप्टर है रेशियो एनालिसिस का, देख रहे हैं कि नहीं, पहले अटेम्प्ट में तो रेशियो का सवाल आया है और जो पास्ट रिकॉर्ड भी देखो तो रेशियो स्ट्रॉन्ग चैप्टर रहा है पेपर में आने के एंगल से, बाकी चैप्टर बेकार है वो आपको भी पता, समझे कि नहीं, कि कुछ आपको 25-30 फॉर्मूले करने पड़ते हैं और फिर कुछ अच्छे लेवल का अगर करो जैसे एडवांस क्वेश्चन है कुछ आरटीपी बेस्ड तो बात है, नहीं तो अदरवाइज चैप्टर तो बहुत ज्यादा ईजी है, बंदा मॉड्यूल में से पढ़े तभी खत्म हो जाए। फिर 40 से 45% की वेटेज में सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें लीज फाइनेंसिंग एक नई चीज है जो पहले यहां नहीं होती थी, ये फाइनल में होता था चैप्टर, फाइनल से ड्रॉप करके इसको इंटर में डाला। आज जिस चैप्टर से हमने शुरू करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इस एरिया में आता है, मतलब 40 से 45% में बहुत ज्यादा चैप्टर है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऐसा चैप्टर है कि अगर बाई चांस बंदा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर नहीं किया हुआ तो उसे कैपिटल बजटिंग तो कभी ठीक से समझ ही नहीं आती, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी दुखी रहता, डिविडेंड पॉलिसी में भी दुखी रहता, मतलब इट्स अ प्राइमरी चैप्टर की भाई जो बंदे ने कर रखा हो तो बहुत बहुत बढ़िया है, तो हमने तो हमेशा इसी को ही पहला कराया। देन कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेजेस, फिर 30 से 35% कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन का एक हेडिंग आता है जिसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इसको स्टूडेंट्स अपनी भाषा में कैपिटल बजटिंग कहते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता, बड़ा भी चैप्टर है, वेटेज भी अच्छी है, जितना ये पुराने कोर्स में होता था और इन्होंने एडवांस चीजें इसमें डाली, ये सारा नया डाला, ये सारी टेक्निक्स नहीं है। रीजन इसका भी सेम था, सीए फाइनल में ना अब कोर्स थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल कर दिया, मतलब वहां थोड़ा वो पढ़ाने लग गए जो करंट टाइम की जरूरत ज्यादा है, तो ये सब चीजें पहले सीए फाइनल में होती थी वहां डिसकंटिन्यू कर दी गई है और सबकी सब इंटर के हाथ में आ गई, जिस वजह से कैपिटल बजटिंग का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा हो गया पहले के मुकाबले। देन डिविडेंड डिसीजन एक छोटा सा चैप्टर, ये भी सीए फाइनल से उठाया गया ये। देन उसके बाद डब्ल्यूसी मैनेजमेंट आ जाती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जरा वर्किंग कैपिटल आप नाम तो सुनते ही होंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, पर जब आप ज्यादा सोच लें उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि चैप्टर में ये नहीं होता कि दिया हुआ है तो
करंट एसेट का टोटल माइनस करंट लाइबिलिटी कर दो। नहीं नहीं बेटा, इसमें एस्टीमेशन का ज्यादा है, मतलब कि एस्टीमेट करनी है हमने वर्किंग कैपिटल नीड्स। जैसे एक बिजनेस दे दिया आपको कि जिसमें 10 लाख यूनिट की सेल होगी, तो उन यूनिट्स को बनाना भी खुद है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसमें रॉ मटेरियल इतना लगेगा, WIP में इतना पैसा ब्लॉक हो सकता, फिनिश गुड्स में इतना पैसा इन्वेस्ट रहेगा, उधार देना पड़ सकता है जिससे डेटर बनेगा, मतलब आपको एस्टीमेशन करना पड़ता है, जो आ जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद जी 40 नंबर की आ जाती है इकोनॉमिक्स। मैं चैप्टर का सीक्वेंस आपको अभी बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे करने। 40 नंबर की इकोनॉमिक्स डाली गई है जिसमें जो पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, ये आपका प्लस टू में जो आप पढ़ते हो वो है। बस ये है कि अगर आप ICA मॉड्यूल से सीधा पढ़ोगे तो आपको ये भी थोड़ा सा औखा लग जाएगा। जो भी मटेरियल आपने प्लस टू में भी फॉलो किया होता है, अगर बंदा उसमें से पढ़ के देखे फिर मॉड्यूल पढ़े तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। देन उसके बाद जो चैप्टर्स रखे गए हैं वो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हुए, ये थोड़े मैक्रो लेवल पे अच्छे प्रॉब्लम्स से जुड़े हुए चैप्टर हैं। जिस तरह पब्लिक फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है, मनी मार्केट है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इनमें 4 यूनिट्स रखे गए हैं। सब यूनिट्स बना बनू के अच्छे खासे चैप्टर यहां भी बन जाते हैं। ये 40 मार्क्स का, इसमें वेटेज है 20-30, मतलब कहने का मतलब सभी यूनिट्स में एक जैसी, मतलब मिनिमम 8 नंबर का पेपर, मैक्सिमम कितने का 12, आना ही आना। हूं करने का तरीका क्या मैं बताता हूँ, सारा आपको ड्यूरेशन और जो प्रोसीजर है हमारे सारे आपको पहले ही बता दूंगा, कि कुछ स्टूडेंट तो अब अपने पुराने ही हैं फर्स्ट ग्रुप वाले, कुछ नए भी हैं, ताकि बंदों को हर चीज क्लियर होगी कैसे कैसे होना है, क्या चलना है। अब जो FM है 60 मार्क्स की आपकी, इसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, देन कैपिटल बस्टिंग करेंगे जो बहुत बड़ा चैप्टर अभी आपने देखा पूरा इन डिटेल में, जिसकी 2 असाइनमेंट्स होंगी अलग अलग। देन उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे। ऐसा करने का मतलब यह है कि जो मेन कोर्स है सारा वो इसमें खत्म हो जाएगा। नलायक पार्टी कितनी, फिर उसके बाद स्नैक्स रह जाएंगे जब मेन कोर्स खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, छोटे छोटे चैप्टर रह जाएंगे ना, जैसे रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीजिंग, और जो इनके थ्रू ही डिराइव्ड है, मतलब जैसे आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बेस्टिंग किया हुआ है, देन आपका लीजिंग बहुत स्ट्रांग है, और आप सीधे ही लीजिंग करते हो तो फिर तो आप उड़ जाते हो, आपको समझ नहीं आता वो क्या रहा है, समझ रहे कि नहीं। देन डिविडेंड पॉलिसी, अगेन छोटा टॉपिक, पर अगर पहले वाले किए हो तो और बहुत आसान। देन एंड में कहीं रेशो रुशो ये जो है और थोड़ी बहुत जो थ्योरी है वो पढ़ा दी जाएगी। इसमें अगर आप ठीक से चले तो आप ये लगा लो कि 4 महीने का टाइम तो FM के लिए ही चाहिए, 4 महीने का टाइम आराम से, मतलब ये अच्छा करना। और जब मान लो आपने कोई ज्यादा स्पीड खींच कुछ दी, जो मैं तो नहीं चाहूंगा, जब आपको जो ठीक लग ही ना रहो फिर स्पीड खींचने का क्या फायदा, तो ये 3.5 मंथ्स में हो सकता है, भले हम तो 4 ही कहते हैं ना। Day 1 जो मैक्सिमम है वो बताओ, ताकि बंदा अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले। देन उसके बाद जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो अभी 2 ही बैच हुए हैं जी इसको इकोनॉमिक्स को आए, पहले 3 चैप्टर यहां मेरे से पढ़वा रहे हैं, समझवा रहे हैं कि भाई बताओ ये कैसे कैसे, पूरे डिटेल होते भी नोट्स बने हुए बहुत ज्यादा। तो नेशनल इनकम कहते हैं वो तो सर हमने अपने आप ही कर दिए। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि अगर आपने करना है आप यहां भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इकोनॉमिक्स का वो 3 चैप्टर और नेशनल इनकम वाला काम इतना टाइम आपका और ले लेगा, अगर हमारी क्लास की ड्यूरेशन यही है 1 घंटा 15 मिनट, आपको बताइए, समझे कि नहीं। हाँ, अगर उसको हम मान लो जी बाद में कहीं बढ़ाते हैं तो फिर बात अलग हो जाती है, ठीक है जी। तो ये है, तो जैसे अकाउंट्स में भी Day 1 ही हमने देखा कि कहाँ कंप्लीशन है, तो इधर भी Day 1 ही आप देख लो। आज 1 अक्टूबर है तो वहां से आपके 5 महीने देख लो, फरवरी का एंड बन रहा, समझ रहे कि नहीं। बाकी ये इसमें मैं 100% बता दूं कि 10-15 दिन पहले हो सकता होता है जब बैच की स्पीड ज्यादा हो, समझे कि नहीं। प्लस वाला कोई चांस नहीं, जो ये टाइम लिख दिया उसमें प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरे ही बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि टाइम वेस्ट भी होंगे, छुट्टियां भी होंगी, वो सारी चीजें बीच में मिला के हैं, समझे कि नहीं, कि क्लास भी स्लो हो जाती है किसी दिन, वो सब कुछ इसमें हमने डिस्काउंट कर रखा कि सब इंक्लूड कर रखा। हाँ जी, अगर आपने बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई और जल्दी जल्दी काम किया तो इसमें 15 दिन आपके पहले फ्री हो जाएगा, मिड ऑफ फरवरी आ जाएगी, वही जिस तरह मैं एडवांस अकाउंट का आपको बताया। ग्रुप 2 वाले बैचेस देखो जी, हर जगह जब स्टार्ट ही इस वक्त होते हैं तो नॉर्मली ये सारे वहां जाके एंड होने हैं। इवन दी ग्रुप 1 कोर्स भी जेड़ा ज्यादातर जगह पे फरवरी एंड आना ही आना है, समझे कि नहीं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी हमने आपको Day 1 ही ये चीज क्लियर कर दी है कि भाई क्या इधर कंप्लीशन है, ठीक है।
अब जी आगे का बताते हैं कि किस तरह जी काम होना है। हेडिंग लिखो एक, ये पहला चैप्टर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ भी लिखा। अब दो वर्ड्स हैं जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेन तो दो ही हैं, कॉस्ट और कैपिटल। कैपिटल का मतलब हमें सबको ऑलमोस्ट पता है, पर दो मिनट हम इसको भी डिस्कस करेंगे। कैपिटल का मतलब क्या होता है? फंड रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द बिजनेस, या फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। और फिर वो देख भी सकते हैं आप किस किस फॉर्म में, फिक्स एसेट की फॉर्म में, करंट एसेट की फॉर्म में। पैसा तो करंट एसेट में भी इन्वेस्टेड है, तो कैपिटल का बेसिकली मतलब तो पूंजी है, पैसा है जो बिजनेस करने के लिए चाहिए। समझे कि नहीं? अब ये उसकी कॉस्ट की बात हो रही है कि कैपिटल की कॉस्ट, लागत, कीमत। क्योंकि जो बंदे को अपनी कैपिटल की कॉस्ट नहीं पता, तो फिर उस कैपिटल से करना क्या है, डिसीजंस क्या लेने हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट करने हैं, वो कैसे होगा ना। कि जब तक आप मान लो आप 1 करोड़ का फंड यूज करने वाले हो बिजनेस में, अब उसकी कॉस्ट नहीं पता आपको कि कितने परसेंट वो आपको कॉस्ट करेगा, फिर इससे कोई भी प्रोजेक्ट कर लोगे, शायद उस प्रोजेक्ट में इसकी कॉस्ट भी रिकवर ना हो, फिर प्रोजेक्ट करने का फायदा क्या हो। समझे कि नहीं? कि कम से कम रिटर्न इतनी तो आनी चाहिए जो आपकी क्या है, कॉस्ट। समझ रहे? तो इस चैप्टर में ना हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि कैपिटल की क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं, कहां कहां से कैपिटल बिजनेस को आती है, और क्या क्या मेथड्स बनाए गए हैं उनकी कॉस्ट पता करने का। ये चैप्टर इसी चीज को ही डेडिकेटेड है कि हरेक कॉम्पोनेंट की पहले कॉस्टिंग सीखो, फिर वेटेड एवरेज सीखो। जिसका ये चैप्टर अच्छा हो गया वो अगले चैप्टर में कामयाब है, क्यों? अगला चैप्टर ये कहता है कैपिटल बजटिंग। उसमें हमने अलग अलग प्रपोजल इवेल्युएट करने हैं कि कैपिटल हमारे पास होगी, उसकी कॉस्ट निकालनी हमें आती होगी, फिर हमारे सामने प्रपोजल रखा जाएगा कि हॉस्पिटल खोल लो, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लो, फलानी फूड चेन स्टार्ट कर लो। तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि क्या वो काम करने हैं, पर वो सारे काम इसी पे बेस्ड है कि उनके लिए पैसा क्या आ रहा है और उस पैसे की कीमत क्या है, और उन बिजनेसेस में उस कीमत से ऊपर रिटर्न तो आनी चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा जा इस चीज को आगे लेके चलते हैं कि जो कैपिटल है वो कहां से आती है। देखो जी, कैपिटल की जो बुकिश डिस्कशन है उसमें ये तीन चीजें दिखाई गई हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, बोलो ही समझ रहे हो, फिर क्या होगा, डेट। ये तीन मतलब की जगह है जहां से कैपिटल आ सकती है आपको, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, और इन द फॉर्म ऑफ डेट। डेट में भी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बैंक लोन्स, बोरिंग्स, ये मतलब डेट वर्ड इज इनफ, मतलब कि उसमें वो सारा आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से भी सोचे तो यही होता है, और क्या होता है, मतलब कि इक्विटी कैपिटल जो सबसे कंफर्टेबल होती है कंपनी के लिए, क्योंकि उस पे किसी तरह का कोई डिविडेंड गारंटी नहीं होता, कोई डिविडेंड पे करना जरूरी नहीं होता जो पता हो आपको, और ना ही उसकी कोई रिडम्पशन ऑब्लिगेशन होती है। समझे कि नहीं? इक्विटी शेयर्स तो जब तक कंपनी है तब तक है, अनलेस दी कंपनी डिसाइड्स दी बायबैक, कि बायबैक के लिए जाती है, वो उसकी अपनी मर्जी है। फिर प्रेफरेंस कैपिटल है, इसमें क्या होता है कि एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, और जो नए कंपनी लॉ के हिसाब से चले तो इरिडीमेबल नेचर के शायद इशू भी नहीं हो सकते, आफ्टर ए सर्टन पीरियड आपको रिडीम करने पड़ते हैं, यहां से भी पैसा आता है। फिर ये एक बहुत बड़ी सोर्स, क्योंकि छोटे बिजनेसेस में तो इक्विटी शेयर होल्डर नहीं ना होते, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, पर वहां भी जो हम खुद अपनी जेब से डालते हैं उसे ओनर्स इक्विटी को कहते हैं। पर एक स्कोप ही होता है ना, ओनर कितना डाल लेगा सोल प्रोप्राइटर में, फिर तो उसे बैंक भागना पड़ेगा और वहां से डेट की फॉर्म में कैपिटल आएगी। आपका जो चैप्टर है वो ज्यादातर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लुक जो दी गई है वो कॉर्पोरेट की लुक ही दी गई है, मतलब सारे क्वेश्चन कंपनी बेस्ड ही हैं। तो ये तीन सोर्स हैं, इसके अंदर इक्विटी के अंदर अगर और आगे चले जाएं तो इसमें बोला गया है कि दो तरह की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल का मतलब होता है कि जैसे जो आपने कमा लिया है उसी को रीइन्वेस्ट कर दो, सोच दो प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, उसे कहते हैं इंटरनल इक्विटी।
जैसे उन इंडिया में कंपनियां बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट भी कमाती है, ऐसा नहीं कि हमारी सारी कंपनियां बेकार काम कर रही हैं, बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाती गई, पर उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही डिविडेंड की तरह मानते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा, बाकी सारा प्रॉफिट बिजनेस में ही री इन्वेस्ट हो जाता है, समझ रहे कि नहीं। और ये अगर आप घर पे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे अपना सोल प्रोप्राइटर ही हो, तो उसमें भी देखा जा सकता है, क्योंकि जितना हम कमाते हैं, अब पापा ये थोड़ा ना कहते हैं आके कि बेटा आज हुई 15 लाख की सेल, ये रहा उसका 1.5 लाख का प्रॉफिट, लो लुटा दो, कल फिर ला रहा हूं मैं। तो इस तरह जो वो 2-3 दिन कर देना, आपको शक हो जाएगा कि भाई इनसे बात करो तो बर्बाद कर देंगे, समझे कि नहीं, और हमारे से भी रहा नहीं जा रहा, हम भी खर्ची जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आप खुद ही कह देंगे नहीं पापा आप बिजनेस में ही लगाओ इसको, ताकि आगे बिजनेस ग्रो करे, रादर देन हम इस तरह वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स करें, समझ रहे कि नहीं। तो बिजनेस का जो मेन सबसे आसान सोर्स ऑफ फंडिंग होता है जो आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, वो इंटरनल इक्विटी होता है, कि खुद का ही कमाया हुआ पैसा आगे री इन्वेस्ट होता ही रहता। एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब होगा कि जैसे इंटरनल के नीचे लिख लो पहले आप, इंटरनल इक्विटी मीन्स रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, इंटरनल इक्विटी मीन्स रिटेन्ड प्रॉफिट, ये आपकी इंटरनल इक्विटी है जी, रिटेन्ड प्रॉफिट। और एक्सटर्नल का मतलब है फ्रेश इशू, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अब देखें, अब आजकल के जमाने के बच्चे हैं तो हम तो इसमें काफी बातें करते रहेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा एफएम वाले बैच का, तो एक शेयर मार्केट पे सेमिनार ये वो, और इसका तो चलो अब टाइम भी ऐसा है, आगे हमारे पास थोड़ा टाइम है कि लाइव ट्रेडिंग सेशन वो सब हो सकते हैं, पर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी नहीं, अभी तो पहले पढ़ाई की बातें बेस बने। पर एक्सटर्नल इक्विटी पे एक बात रखने लगा था मैं, क्या पहले बात कर लूं, स्टार्टअप सुना, स्टार्टअप हाँ, वेंचर कैपिटलिस्ट सुना, यस सर, क्या होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, नहीं वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता, जो पैसे लगाता है, जो पैसे लगाता है। तो कई बार हम ये सुनते हैं कि फलाना जी बेंगलुरु में स्टार्टअप है, उसको 2 मिलियन का फलानी ग्लोबल फर्म ने वेंचर कैपिटल दिया। फिर कई बार हम सुनते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में ज्यादा कि जो फलानी फर्म थी उसको 10 करोड़ की वेंचर कैपिटल मिली टाटा ग्लोबल से, फलानी वेंचर कैपिटलिस्ट से। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट लोग जब कंपनियों में पैसा लगाते हैं वो ज्यादातर इक्विटी की फॉर्म में लगाते हैं। जैसे आपने एक कंपनी बनाई थोड़ी बहुत और आपने अपनी सेविंग से बनाई हो, फिर वो ठीक ठाक चल गई, उसकी पूरी सिटी में पॉपुलैरिटी होगी, पर अब आप ये चाहते हो कि भी ये पैन इंडिया हो जाए। पैन स्टेट करना भी बहुत औखा, पैन इंडिया तो बहुत औखा, क्योंकि उसके लिए बहुत मैसिव ब्रांडिंग चाहिए, बहुत कैपिटल चाहिए, समझ रहे कि नहीं। उस सब के लिए फिर आपको पैसा कौन देगा, आप यहां जाओगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पड़ जाएगा। ये तो अभी मैं इसकी बेइज्जतियां करूंगा होलसेल में, ये तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है जी। और फिर आपके काम आएगा ये एक्सटर्नल इक्विटी, क्योंकि आपकी अपनी सोर्सेज अब ड्राई अप हो गई हैं, तो तुम कोई इन्वेस्टर्स ढूंढोगे जिन्हें कहोगे कि भाई आप इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लो, हम आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू कर देते हैं। पब्लिक को नहीं बुला रहे, आईपीओ नहीं ला रहे, सिर्फ उसे कह रहे हैं कि भाई आप इतने करोड़ डालो तो आपको इतने शेयर मिल जाते हैं। फिर वो थोड़ी पिच प्रेजेंटेशन होती है उनके सामने, पिच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप अपना आइडिया उन्हें सुनाते हो, तो आपको 4-5 मिनट में इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के ले जानी होती है ताकि उसके बाद रोक के आपको, मतलब कि अगर आपने आधा घंटा लेक्चर दे दिया और उसमें कुछ बोला चाचगा नहीं, कोई फायदा नहीं, इतनी देर तो सुनेगा नहीं। पहले 2-3 मिनट पिच प्रेजेंटेशन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि जो कैपिटलिस्ट सामने बैठा है वो अट्रैक्ट हो जाए और वो खुद कहे जी हाँ फिर अभी तक आप कहां पहुंचे, क्या डिटेल्स हैं, कितना फंड चाहिए, हाउ इट विल जनरेट रेवेन्यू। अपन ये फाइनल में वो भी करते हैं पिच प्रेजेंटेशन, और बच्चे अपने अपने आइडिया लाते हैं और हम कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करते वो, क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन रखनी जरूरी है, कल को उनका आइडिया, तो बड़ी जबरदस्त पार्टिसिपेशन होती है उसमें। अब इस तरीके से जो पैसा आएगा वो एक्सटर्नल इक्विटी का आएगा। वेंचर कैपिटलिस्ट इंप्रेस हो गया, उसने कहा ठीक है जी इस कंपनी में मैं 10 करोड़ रुपया डालता हूं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, कंपनी को फायदा, क्योंकि जो 10 करोड़ डला है उसपे किसी तरह कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं, ना ही उसकी कोई रिडम्पशन करनी है, समझ रहे कि नहीं, ना ही उस पर डिविडेंड कंपल्सरी है। पर एक चीज है, आपने अपना कंट्रोल अब डायल्यूट कर दिया, क्योंकि पहले आप ही इस कंपनी में शायद मेजोरिटी स्टेक ओन करते थे, अब कैपिटलिस्ट ने जब पैसा डाल दिया तो मेजोरिटी तो उसके पास होगी, वो तो आप फ्लिपकार्ट में चेक कर लो चाहे नेट पे, जेड़े बंसल ब्रदर है उन्होंने बनाया था, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी कैपिटलिस्ट ने इसमें पैसा लगा दिया था। वॉलमार्ट ने जब खरीदा तो पूरा इकोनॉमिक्स टाइम में डिटेल आई थी ना कि किसका कितने परसेंट था,
टाइगर ग्लोबल का तो बहुत बड़ा हिस्सा था, वो बाहर दी एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, सबसे ज्यादा फायदा तो उनका हुआ। बंसल ब्रदर्स का तो कितना रह गया था, 4-5% की रेंज में रह गया था। कैसे खत्म हुआ, क्योंकि जब वो उसको इतना बड़ा कर रहे थे तो तब भी तो उनको कैपिटल की जरूरत पड़ती थी, तो उसमें लोग पैसे लगाते थे तो वो फैला। वो तो IITians थे, उन्होंने इतना थोड़ा ना कमा रखा था कि इतनी जो एड्स आती थी, इतने प्रमोशन चलते थे जिसके थ्रू लोगों तक अवेयरनेस पहुंची कि ये चीज है। वो सब तो और वेंचर कैपिटलिस्ट के पैसे पे था, और वेंचर कैपिटलिस्ट भी पूरा पक्का लाला होता है, वो देख के पैसा लगाता है, अल्टीमेट रिटर्न उसको भी पहुंची है। क्योंकि अब जो 10 करोड़ इस कंपनी में डाला वेंचर कैपिटलिस्ट ने, तो उसका आइडिया इसमें 20-25 करोड़ करने का होगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे 10 करोड़ से ये एक ब्रांड बन जाएगा, फिर और मेरे से बड़े लोग अट्रैक्ट होंगे जो मुझे कहेंगे कि आप अपना हिस्सा इसमें हमें दे दो, समझे कि नहीं, देन मैं उसे मल्टीपल टाइम पे बेचूंगा। इसलिए जो बड़े बड़े ग्रुप हैं अपनी कंट्री में, या बड़े बड़े स्टार या बंदे कह लो, उनके अपने वेंचर कैपिटल हैं। जिस तरह अपने चंडीगढ़ की प्राउड फीलिंग युवराज सिंह, इसका भी तो है UVCAN, तो उनकी साइट पे आप लॉग इन करके चेक कर सकते हो कि अपलोड दी आइडिया, या वो कॉलम आंदा उन्होंने, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं जी अगर हमें इसमें कोई इंटरेस्ट लगेगा देन हम आपको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर्म दीज डेज की एक्सटर्नल इक्विटी स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कोई आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे काम पैसे से होते हैं। अब ये तो मैंने आपको खोल दिया एक बार कि यहां यहां से पैसा आना है। इक्विटी दो तरह की, एक तो खुद कमाया री इन्वेस्ट किया, और एक एक्सटर्नल विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेंचर कैपिटल, और यू कैन गो फॉर IPO। जैसे आप एक पुरानी कंपनी हो, थोड़ी हिस्ट्री है आपकी, पर अब आप चाहते हो कि पब्लिक भी हिस्सेदार बने आपकी कंपनी में, तो IPO रूट खोल दो ना। अगर आप अच्छे 20-25 साल का आपका है एक्सपीरियंस कंपनी का, और अच्छे रिजल्ट आपने दिए हैं, फिर तो वो जो तुम करते थे शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगी बेटा, कि वो कहेंगे जी कंपनी ने अब शेयर ऑफर किए तो हर कोई वो खरीदेगा, ठीक है। देन अब बात करते हैं इनकी कॉस्ट की। ये वाला जो एरिया है, कॉस्ट निकालनी सबसे औखी है इसकी, सबसे, क्योंकि जब मैं इक्विटी की कॉस्ट की बात करता हूं तो मेरे को बहुत ही अजीब फीलिंग आती है, क्योंकि इक्विटी पे कोई डिविडेंड नहीं, कोई रिडम्पशन नहीं। सोच रहे हो, डिविडेंड कोई फिक्स नहीं, कभी 100% दे दिया, कभी 1000% दे दिया, कभी 5 साल दिया ही नहीं, ठीक है, जिस तरह इंडिया की कंपनियों में होता। रिडम्पशन कोई है नहीं। जब आप इस पर लिटरेचर पढ़ते हो फाइनेंस पे, क्योंकि फाइनेंस पे तो किताबें इतनी लिखी गई हैं, तो कईयों ने यह भी लिखा कि ऐसे तो फिर लोग ये सोचने लग जाएंगे कि इज इक्विटी कॉस्ट फ्री बिकॉज द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी डिविडेंड बाय ऑब्लिगेशन। मतलब वो अपनी मर्जी है, डिक्लेयर करो चाहे ना करो, पर लिखा तोड़ना होगा कि इतना देना ही है। कहते ऐसे तो आपके मन में ये सोच आ जाएगी कि भाई डिविडेंड तो है ही नहीं, तो इक्विटी तो कॉस्ट फ्री होती होगी। बोलो क्या ऐसे सोचना सही है? नो। क्यों? क्यों? नहीं नहीं नहीं, डिविडेंड के एंगल से नहीं आती इसकी कॉस्ट। नहीं जी, जो फंड आप यूज कर रहे हो उसकी कीमत की बात है, वो तो फंड रेज करने का खर्चा। आपको किसी ने, प्रैक्टिकली बताता हूं, 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर था, आपने 790 मांगे, उसने वो दिया, आपने लिखा हुआ है कि भाई इस पे कोई डिविडेंड फिक्स नहीं है, ये कंपनी जो रेजोल्यूशन या डिसीजन लेगी उस हिसाब से डिविडेंड होगा, और कई कई साल तक कई बार डिविडेंड नहीं होगा, सिंपल सी जो बात है। ना ही आपकी हम कभी रिडम्पशन करेंगे। आपको अगर शेयर बेचना है तो शेयर को लिस्ट करवा दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में, आप सेकेंडरी मार्केट में बेच पाएंगे, कंपनी नहीं आपकी रिक्वेस्ट एंटरटेन करेगी रिडम्पशन की। अब ये 790 जो मेरे पास आए, मैं इससे बिजनेस करने जा रहा हूं, और मैं इसकी कॉस्ट मानने लग गया गलत हिसाब से 0%। अब अगर आप यदि कॉस्ट 0% मान रहे हैं, फिर तो आप प्रोजेक्ट भी बड़े बेकार बेकार करेंगे। अब जिसकी कॉस्ट ही जीरो, वो तो 2% वाले प्रोजेक्ट को भी हाँ कर दे। मतलब अगर प्रोजेक्ट में 2% भी रिटर्न आनी हो, तो अपने को तो 0% पे पैसा मिला ना। ना ना, ये गलत है बेटा। अगर यदि एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं दिखती, इम्प्लिसिट तो दिखनी चाहिए, क्योंकि ये 790 जिस बंदे ने इस फर्म में लगाए, इस कंपनी में लगाए, ही कैन इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, FD कर सकता था वो, उस पर तो रिटर्न आती। तो जो बंदा इसके पैसे यूज कर रहा है उसको उस पैसे पर रिटर्न तो लानी चाहिए। क्यों? अगर आप 0% रिटर्न मान के 1-1, 2-2% के प्रोजेक्ट करोगे, फिर कंपनी क्या चलेगी? कंपनी तो फ्लॉप हो जाएगी, और कंपनी के शेयर की वैल्यू नीचे जाएगी। लोग कहेंगे यहां 2% रिटर्न आती है, इससे अच्छा तो FD कर लो यार, इस कंपनी के शेयर तो सेकेंडरी मार्केट में भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि कंपनी उस पैसे से कर क्या रही है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए जो इक्विटी की कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन नोशनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नोशनल मतलब व्हाट द इन्वेस्टर वॉन्ट।
अब एक्सप्लिसिटली तो चलो आप उसको कुछ नहीं देते, पर इम्प्लिसिटली तो पैसा रिटर्न के लिए लगाया है। इक्विटी में लोग पैसा किस लिए लगा रहे हैं? ताकि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, टर्नओवर बढ़े, शेयर की नेट एसेट वैल्यू बढ़े, और कल को 790 पे खरीदाओ, 5 साल बाद 2000 का बिके। ये होता है, जिस तरह शॉर्ट में ये कहते हैं, अगर पैसे को प्लस करना है तो FD कर लो, मल्टीप्लाई करना है तो इक्विटी में हो। अगले ने मल्टीप्लाई वाली रिटर्न सोची हुई है, तुम 0% मान रहे हो, ठीक है। इसलिए बेटा मैं तो एक लेक्चर इसलिए देता हूं ताकि बंदे दिमाग खुलेंगे कैसे। बाकी बंदे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर फिर ये कॉस्ट निकालने हैं कैसे, कि हमें ये दिखने तो लग गया कि वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है तो इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रोजेक्ट इस हिसाब से करें जिन पे रिटर्न्स आए, ताकि उसके पैसे की वैल्यू बढ़े। पर वो रिटर्न कितनी एक्सपेक्ट करता है कैसे पता चले, ये हमारा काम नहीं है सर। अंग्रेज हैं इसमें, 5 बाबा हुए हैं 5, जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरियां दी कि ऐसे करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी। आप कह रहे हैं कॉस्ट नहीं आ सकती, अंग्रेज कहते बताओ कितनी बार लानी है। 5-5 मॉडल बना गए, वॉल्टर, गॉर्डन, विलियम शार्प, मतलब जबरदस्त बाबा सारे, एक से एक अजम्पशन ले लेके पता नहीं क्या हालत बना दी बेचारे की। हाँ एक चीज है, जिसको इस चैप्टर में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया ना, वो CA फाइनल तक सुखी है। मतलब लोगों ने इतने गंदे गंदे तरीके से पढ़ाया, सिर्फ फॉर्मूले लिखवा दिए बच्चों को, बेटा ये है, हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी की डेरिवेशन करानी है आपसे। मतलब जो भी उसने अजम्पशन ली होंगी, ईओ क्यू याद है बेटा, फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल के मिनिमा थ्योरम लगा के फॉर्मूला डेराइव के सामने आया था कि क्यू अंडर रूट होता है, याद है? तो इसके फॉर्मूलों को भी डेराइव किया जाएगा, तो नो डाउट उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। देन उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होता है, ये बेकार ही होता है, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है जो पे करना हमने, सब्जेक्ट टू प्रॉफिट्स, यदि कॉस्टिंग हो जाती है। सबसे आसान जो समझने के लिए है, सबसे आसान, दैट इज डेट। स्टार्ट तो बेटा इसी से करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले दिन ही इक्विटी की डेरिवेशन कर देते हैं तो थोड़ा सा असर नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार बंदा इतने के लिए तैयार नहीं होता, पहले थोड़ा सा बैट पे आनी शुरू हो जाए, फिर स्विंग होएगी, फिर आप अकॉर्डिंगली ध्यान से खेलना, ठीक है जी। तो पहले तो आप टॉपिक बना लो कॉस्ट ऑफ डेट, नोट्स बहुत ध्यान से बनानी है, FM के जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे लिखना पड़ेगा, लिखना बहुत पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डेट, अब तुम्हारी बुक वालों ने कॉस्ट ऑफ डेट में भी बड़े केस बनाए हुए, जैसे मॉड्यूल खोल के देखना चाहे घर जाके। जैसे कहा हुआ है कि भाई एक तो होता है परपेचुअल या रिडीमेबल डेट, परपेचुअल मीन्स फॉर एवर, इरिडीमेबल भी वही मतलब है कि ये कभी रिडीम नहीं होगा, और एक होता है रिडीमेबल डेट। फिर उनके आगे सब केसेस भी हैं, मतलब डेट डेट में आप अगर कम गिनो तो 5-6 मेथड बन जाते हैं खाली डेट की कॉस्ट निकालने के, पर सारे एक से एक आसान है। तो अगर आपने कॉस्ट ऑफ डेट ऊपर बड़ी हेडिंग बना दी, उसमें नीचे लिखो केस 1, कॉस्ट ऑफ डेट बड़ी हेडिंग बनेगी, नीचे लिखो केस 1 परपेचुअल / इरिडीमेबल डेट, परपेचुअल / इरिडीमेबल डेट, परपेचुअल या इरिडीमेबल डेट। फॉर्मूला लिखवाने से पहले ये समझाना बनता है कि लिखने का तो हमने लिख लिया कि ये परपेचुअल डेट है या इरिडीमेबल है, माइंड को भी ये इशारा कर दिया कि इसकी रिडम्पशन नहीं होगी, इसकी रिडम्पशन नहीं होगी, बस पैसे दे दिए बंदे ने, उसे इंटरेस्ट मिलेगा, बेसिक प्रिंसिपल होता कभी भी वापस नहीं आएगा। तो कई बार बच्चा सोचने लगता है कि सर ऐसे डेट होते हैं, ऐसे डेट होते हैं, या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई में आधी बार तो हमें फॉर्मुलों में ये लगता है हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा होता कहाँ होगा। और इंडिया की जो CA कोर्स ही ले लें तो 70-80% तक की जो पढ़ाई है, जो सारे सब्जेक्ट इकट्ठे कर लें, उसमें बहुत ज्यादा बार मैंने आपको समझाया कि यूज कम होनी है। बट FM इज अ सब्जेक्ट जो टू सम एक्सटेंट आपको जितनी भी बड़ी डिग्री हैं, जैसे आप CFA करना चाहते हो, मान लो एड ऑन करना चाहते हो आगे डिग्री में, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हो, तो आपका FM और फाइनल का SFM बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और मान लीजिए कि भाई आप CPA वगैरह या इधर किधर भी निकलते हैं, उसमें भी फाइनेंशियल मैटर्स में नॉलेज तो ठीक होनी ही चाहिए ना। तो मैं फेक एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कोई भी, जो रियलिटी है वो बताया करूंगा। जब मैंने आपकी किताबों में किसी टाइम पढ़ा, अब तो मैं सिर्फ ये देखता हूं कि भाई नए क्वेश्चन क्या ऐड किए, टॉपिक है, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ता, मैं पढ़ पढ़ के दुखी हो चुका हूं किताबों में, ठीक है। तो किसी ने ये लिख दिया कि जब क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ना हो, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ना हो कि कब रिडीम होना, तो डेट को इरिडीमेबल मान के ही सॉल्व करना और ये फॉर्मूला लगा देना। मतलब एक्सप्लेनेशन
सिचुएशन टाइप दे दी, मतलब ये नहीं क्लियर किया कि परपेचुअल होते हैं या नहीं होते, ये कह दिया कि भाई अगर क्वेश्चन आप कर रहे हो 12% डिवेंचर इशूड 1000 ईच एट ए 990 रेट, देन भाई बस खत्म, आगे कुछ नहीं है कि कब रिडीम होगा, तो आप क्या मान लो कि परपेचुअल है और जो फॉर्मूला लिखवा दिया उससे सॉल्व कर दू। मैं यार ये तो मेरी क्वेरी का जवाब नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो ये पूछा था कि होते हैं कि नहीं होते। फिर अब जब से टीचिंग में है तो नेचुरल है कि भी इंटरनेट बहुत ज्यादा आजकल हेल्पफुल है, तो हमने सर्च पाई जी परपेचुअल डेट गूगल सर्च इन इंडिया, तो पहले कुछ पेज खुला, उसने कहा कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में इस तरह के डेट इशू होते हैं, और उधर अंदर ये होता है कि जो बंदा खरीदे उसको तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, मान लो उसकी डेथ हो जाती है या और कुछ हो जाता है तो एज ई सिचुएशन में जो उसने नॉमिनी बनाया होगा उसको इंटरेस्ट आएगा, रिडम्पशन कभी नहीं होगी। फिर मैं कहा अच्छा जी वाकई होते हैं परपेचुअल डेट का मतलब, फिर मैंने इंडिया लिख के सर्च पाई फिल्टर करके थोड़ी, टाटा मोटर ने इशू किया हुआ इंडिया में, मैं कहा अब तो पक्का है यार अब तो है, उन्होंने इवन ऑफर डॉक्यूमेंट तक डाउनलोड हो गया जो मैंने बड़ी देर तक संभाल के रखा रहा था कि परपेचुअल बॉन्ड टाटा मोटर ने इशू किए थे, तो मिनिमम अमाउंट काफी अच्छा था, मतलब कि 5-6 हजार नहीं था, 2-2.5 लाख था कि जो बंदा लगाए तो मिलेगा। उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि हर साल आपको सिर्फ इंटरेस्ट आएगा और ये कभी भी रिडीम नहीं होंगे, और आप अपना नॉमिनी जरूर करो क्योंकि उसके बाद इनकम उसे जाएगी। हाँ अगर कभी कंपनी लिक्विडेट होती है देन यू विल गेट योर क्लेम्स, जो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का ऑर्डर होता है उस हिसाब से जब आपकी बारी आएगी तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। मैं ये तो बढ़िया, पर कंपनियां होती स्कीमी है जो परपेचुअल डेट इशू करती हैं, जैसे कंपनी ने परपेचुअल बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड या डिवेंचर सॉरी, ये इशू किया, अब जो बेचारा होल्डर है वो तो बस इंटरेस्ट ही रिसीव कर पाएगा हर बार, देख रहे हो कि नहीं, रिडम्पशन नहीं होनी। पर कंपनियां चलाक होती हैं, उन्हें पता होता है कि यार ये 1000 रुपए की फेस वैल्यू पे हम 9% दे रहे हैं, 9% फॉर एवर, कल को जाके इंडिया का इकोनॉमिक माहौल सुधर जाए और इंडिया भी डेवलप कंट्री हो जाए, मतलब मैं ये चाहूंगा आगे जड़ी जनरेशन आन उनकी इकोनॉमिक्स की बुक में तो ठीक लिखा हो ना, हमारे तो हमेशा डेवलपिंग अंडर डेवलप यही लिखते रहे, जो था अगले वही लिख रहे थे, कभी तो डेवलप लिखो यार, वो कैसे लिखे है ही नहीं, ठीक है ना। मान लो हो जाए तो डेवलप कंट्रीज में तो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं होता, बड़े फैक्टर्स होंगे, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल में होती है, पॉपुलेशन सबसे बड़ी फसाद की जड़ वो कंट्रोल में होती है। मान लो कंपनी को दिखा कि हमने तो 9% पर एनएम कह दिया, पर मान लो 15 साल बाद जाके हमारी थोड़ी सरकार ठीक हो जाए या लोग ठीक हो जाए, जैसे भी कह लो कोई बड़े फैक्टर हैं, और इकोनॉमी कैनेडा जैसी बन जाए, ऐसा होना कुछ नहीं है बेटा, जब वीजा के चक्कर में लगवाएं कोई चक्कर नहीं है, तो ये 2.5% रेट हो गया, फिर टाटा मोटर तो फंस गई भाई, कंपनी तो फंस गई, अब तो होल्डर कभी भी नहीं कहेगा कि मेरे रिडीम करो, कहेगा यार लगाऊंगा फिर इनसे लेके 2.5% पे, अब ये तो फंसे हुए हैं 9% पे, आने दो, समझे कि नहीं, क्योंकि अगर आप इनसे पैसे ले लो रिडीम करवा लो तो कहां लगाओगे, अब इकोनॉमी में तो 9% रेट रहा नहीं, क्या रेट हो गया 2.5%। कंपनियां चलाक होती हैं, कंपनियां कहती हैं कि भाई वैसे तो परपेचुअल है पर आफ्टर 15 ईयर हमारी ऑप्शन पे रिडीमेबल है, बोले समझे, बोले वो आगे फ्यूचर को देख के रखती है ऑफर डॉक्यूमेंट में क्लॉज, कहती 15 साल बाद अगर तू चाहेगा तो नहीं रिडीम होने, पर अगर हम चाहेंगे तो रिडीम कर सकते हैं बिना तेरी परमिशन लिए, ये क्लॉज रख लेती हैं कंपनियां परपेचुअल में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सीए फाइनल के एसएफएम में हम आईजी कंपनियों को क्वेश्चन करते हैं कि इफ वी हैव द ऑप्शन देन वाई वी शुड एक्सरसाइज दिस ऑप्शन और नॉट, क्योंकि रेट इतने फर्क तो नहीं होते ना, अब जैसे 9 है और 15 साल बीत गए, क्वेश्चन कहेगा भाई अब इकोनॉमी में रेट हो गया 7.5, बताओ आपको कर देना चाहिए इसको रिडीम, फिर हम वो लगाएंगे कॉस्ट बेनिफिट रेशो कि 1.5% मेरा इंटरेस्ट बच रहा है, पर पुराने वाले को रिडीम करने के लिए शायद मुझे कोई प्रीमियम देना पड़े, नए वाले को इशू करने के इशू एक्सपेंसेस हो जाएं, कहीं मैं इतने खर्चे ना करके बैठ जाऊं कि 1.5% से ज्यादा का खर्चा ही हो जाए, समझ रहे कि नहीं, और कई सालों तक वो खर्चा रिकवरी ना हो, तो एडवांस टॉपिक हो गया। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दी कि भाई आप पेपर में तो चलो ये मान के कर लो कि अगर ईयर्स दिए नहीं हुए तो परपेचुअल होता, पर आपको नॉलेज भी हो, जैसे कोई पूछे कि बेटा परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होते हैं, आपको जी इंडिया में एक्चुअल में टाटा मोटर की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, आप गूगल सर्च कर लो कि जिसमें होल्डर को इंटरेस्ट 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 मिलता और रिडम्पशन वैल्यू कभी भी नहीं मिलती,
और कई बार कुछ परपेचुअल बॉन्ड्स में जो इश्यू करने वाली कंपनी होती है वो अपने पास एक ऑप्शन रखती है कि आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इफ दे वांट दे कैन रिडीम, बट यू हैव नो ऑप्शन. मतलब इफ यू से कि भाई लाओ यार मेरे पैसे दो, कि रेट हो गया 9 के बजाय इकोनॉमी में 16, और बुरा हाल कर दिया मिनिस्टरों ने, समझे कि नहीं, तो वो कह रहा मैं 9 ही ले जा रहा हूं, मेरे पैसे वापस करो, मैं 16 पे लगाता हूं. ये नहीं हो सकता, क्योंकि होल्डर के पास कोई राइट नहीं है. राइट किसके पास है? कंपनी. ठीक है, तो इसलिए मेरे को तो ये है कि भाई आपकी जो इंटर है ना उसमें एफएम बहुत अच्छी और लॉजिकल हुई होनी चाहिए, फिर आप एसएफएम चाहे जहां मर्जी पढ़ो फाइनल में. याद तो तुम्हें क्लास क्यों आनी है, क्योंकि जब उसने डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं आपको याद आए ना कि सीखा कहां हुआ था. ठीक है जी, तो अभी तो जड़ी कहानी है फॉर्मूला क्या था वो सामने रख देते हैं आपके. बहुत आसान फॉर्मूला कि आपने ऊपर क्या लिखा हो मुझे बता देना. परपेचुअल लिखा ना, अब इसकी लिखो जी, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्मूला आई अपॉन एनपी इंटू 100. मैं सबके मीनिंग बताऊंगा कि क्या मतलब है आई अपॉन एनपी इंटू 100. ये कोई डेरिवेशन से बने हुए फॉर्मूले नहीं है, सीधे फॉर्मूले, अभी आपको खुद भी दिख जाएगा कि ठीक है. लिखो जी, आई मीन्स इंटरेस्ट, एनपी मीन्स नेट प्रोसीड्स, एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड्स, एनपी मीन्स नेट प्रोसीड्स, लिख दिया. अब एनपी किसके बराबर होती है वो भी लिखवाना पड़ेगा. लिखो जी, एनपी इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसिस ऑफ इशू, इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसिस ऑफ इशू, इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसिस ऑफ इशू. घबराना ना, अभी केस बनाते हैं फिर बात करते हैं. जैसे मान लो जी, ये ना एक 1000 रुपए वाला पार वैल्यू वाला 12% डिबेंचर है और इशू हुआ है पार पे, तो हमें बस इतनी इंफॉर्मेशन है, कोई इशू एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं बताया हुआ, ना ही कब रिडीम होना है ये लिखा है. अब मेरे को कहा गया कि भाई इस फॉर्मूले से तुम अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो, तो आई का मतलब तो ये हुआ 120 रुपए का इंटरेस्ट, एनपी का मतलब क्या हुआ, एनपी का मतलब 1000 इशू प्राइस, एक्सपेंसेस 0, समझे कि नहीं, तो एनपी भी पूरी 1000 ही आ गई आपके पास. क्या कॉस्ट हुई, कमाल है बेटा, इतना टफ, समझे कि नहीं. तो कहने का मतलब ये है कि आप यार खुद सोचो इसमें क्या है, क्या आपको 1000 रुपए मिले हुए हैं उसके ऊपर आप 120 रुपए दे रहे हो, तो उसकी कॉस्ट तो 12% ही होगी. हाँ, अगर आपकी एनपी 1000 रुपए से कम हो जाती है, क्योंकि इशू करते हुए अंडरराइटर, ब्रोकर, बैंक वाले जिनके थ्रू बिकता है सारा, जो अपने क्लाइंटों को फोन करते हैं कि लो जी बहुत अच्छे बॉन्ड्स आए हैं, ये वो है, उनको बदले में क्या मिलती है, कमीशन, समझे कि नहीं. फिर इशू एक्सपेंसिव तो बड़े मैसिव हो जाते हैं ना. हो सकता है कि आपने 1000 रुपए पे इशू जरूर किया हो, पर आपके 50 रुपए खर्चा ही हो गया, 5% खर्चा ही हो गया एक बॉन्ड पे, तो आपको 950 रुपए की कैपिटल मिल रही है. पर फिर भी भाई जिस बंदे ने बेचारे ने खरीदा उसको तो इंटरेस्ट 120 ही देगा, उसको कैसे समझा लोगे कि 950 पे 12% देना, हो गया पार वैल्यू पे होता है इंटरेस्ट, तो समझे कि नहीं. देन इट कैन मेक द डिफरेंस, वो भी एक्सपीरियंस करते हैं. पहले आप एक फॉर्मूला लिखा, आप नीचे एक केस लिखो, लिखो 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर पार वैल्यू, 12% डिबेंचर पार वैल्यू रुपी 1000, पार वैल्यू रुपी 1000, तीन पार्ट्स बनाओ. ए पार्ट में लिखो इशूड एट पार, बी पार्ट में लिखो इशूड एट 10% डिस्काउंट, सी पार्ट में लिखो इशूड एट 10% प्रीमियम. मैं क्या इशू एक्सपेंसिव में ले जाने से पहले इसी चीज की प्रैक्टिस कराऊं 3 बार. ये देखो, मैंने अब ये चीज 3 बार आपके साथ डिस्कस करनी है, आई अपॉन एनपी इन 200. अब बेटा देखो जी,
आपके आई के ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा इशू प्राइस से। आई तो जी फंक्शन है फेस वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो हमने सभी पार्ट्स में सेम ही रखा है। तो आई कितना आएगा 120। एनपी, एनपी जब भी बोलेंगे तो डिटेल में बोलेंगे। एनपी का मतलब क्या है, अभी इशू प्राइस माइनस को एक्सपेंसेस ऑफ इशू। तो यहां तो 1000 रुपये आपका इशू प्राइस है, पार पे इशू किया आपने, एक्सपेंसेस ऑफ इशू हमने तो बोले नहीं कोई, तो 1000 ही है। तो पहले केस का तो आंसर नेचुरल है, वही आना है, वो तो इसलिए किया गया था ताकि आपके रिटर्न में आ जाए। अब जब आप सेकेंड केस में चलते हैं तो सर आई तो वहां 120 ही रखेंगे, पर वहां हमने डिस्काउंटेड इशू कर दिया, कितने परसेंट ऑफ दे दिया, तो इशू प्राइस क्या हो गया 990 ना। अब किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 990 पे लगना चाहिए, ना ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा फेस वैल्यू पे ही है। फेस वैल्यू कितनी है 1000, 1000 रुपये 12% कितना होता है 120, बोलो पक्का। और इशू प्राइस हमने 990 कर दिया, इससे बेटा हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी, अब हमें ये महंगा पड़ेगा, इसका रेट हो गया है ज्यादा। बाकी आपके सामने आप चेक करेंगे 12.12%, बोलो समझ पा रहे हो, 900 सॉरी 10% डिस्काउंट बोला ना, हाँ लिखने में गड़बड़ है बेटा, कुछ गलत लिख गया हूं। अब कॉस्टिंग बहुत जबरदस्त बढ़ेगी, बल्कि मैं भी सोच रहा था 10% डिस्काउंट पे इतना बड़ा नहीं, तो 13 पॉइंट कितना आ रहा है जी 33 भाई, करेक्शन 900 के अकॉर्डिंग देखना इसको, बोलो भी ओके। अब ना आप थोड़ा जा इसमें थोड़ा बिजनेस वाली समय रखो, हमें इंटरेस्ट 1000 रुपये पे देना है, 1000 रुपये पे 12% इंटरेस्ट देना हर केस में। अगर तो आपको पूरी कैपिटल भी 1000 रुपये यूज करने के लिए मिलेगी तो रेट वही होगा जो कूपन रेट है, जो रेट ऑफ कूपन है ना, कूपन पेमेंट मतलब इंटरेस्ट पेमेंट। और अगर आपको कैपिटल कम यूज करने के लिए मिली तो कॉस्ट ज्यादा होगी। अब अगले केस में इंटरेस्ट तो अभी 120 देना हमने, पर वहां पे ऐसा कुछ हो रहा है कि हमने प्रीमियम रेट चार्ज कर लिए, कितने परसेंट प्रीमियम है, तो रेट हो गया 1100। लो सर अब आपको सस्ता पड़ेगा, एज ए इश्यूअर आपके लिए अच्छी सिचुएशन है, 10.909 ऐसा इसको आप इतना भी कह सकते हैं, बोलो भाई। तो बहुत बेसिक जा फॉर्मूला, पर ये नहीं कह सकते कि आएगा नहीं, आ जाते हैं क्वेश्चन कई बार इसके थ्रू भी, जो सिर्फ ये अगर सिंपल सी भाषा कहें, इस डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% है, पर इफेक्टिव रेट आर डिफरेंट, इट डिपेंड्स कि आपको कैपिटल कितना मिला। अगर तो आपको कैपिटल पार वैल्यू जितना रिलाइज किया है तो इफेक्टिव रेट भी 12 ही है, कैपिटल पार वैल्यू से कम रिलाइज किया है तो इफेक्टिव रेट 12 से भी ज्यादा है, और अगर आपका प्रीमियम पे फ्लोट हुआ है ये तो आपका इफेक्टिव रेट जो रेट दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे काफी कम हो जाता। बोलो समझ रहे कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हमने इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसिव इशू बोला था, पर किसी भी एग्जांपल में यूज नहीं किया गया उसको। पहले तो एक्सपेंसिव इशू क्या होते हैं वो ध्यान से आप समझ लें, थोड़ा बहुत तो मेरे से पहले भी बोला गया, मैं दोबारा बता रहा हूं। जब हमने सिक्योरिटीज इशू करनी होती है मार्केट में तो उसमें कई बार तो हम बड़े उसमें आते हैं कि आईपीओ वगैरह लाते हैं, फिर तो बहुत ज्यादा खर्चा होता, मतलब उसमें सरकारी खर्चा भी जो रूल्स रेगुलेशन पूरे करने का, प्लस अंडरराइटर्स ब्रोकर्स और बैंकर्स इनके साथ टाइप करना पड़ता है कि आप ये बिकवाओ। और यही जब डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, आपने एक ट्रेडिंग पोर्टल का शायद नाम सुना होगा ICICIDirect.com, मतलब कि एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं शेयर शेयर में। आईसीआईसी बैंक तो नाम सुना ना, उन्हीं की एक डिवीजन है समझो, ठीक है। तो कई बार हम अपने ICICIDirect.com में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन होती ना एक विंडो अपने आप ही फ्लैश हो जाती है और वहां लिख के आ जाता है जी फलानी श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के डिबेंचर इशू अवेलेबल, सब्सक्राइब नाउ बटन होता है, क्लिक करो तो नाली आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। अब बंदा ये सोचे कि ये ICICIDirect.com को क्या पड़ा श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के डिबेंचर बिकवाने में, सर कमीशन क्योंकि उनको ये पता होता है कि इनके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं जो रोज अपना ट्रेड करेंगे, कम से कम उसके 5-10 लाख क्लाइंट तो होंगे, बाकी ज्यादा होंगे मेरे को तो एग्जैक्ट पता नहीं है, उनमें से एक मैं भी हूं, ठीक है जी। अब उसमें से मान लो अगर 50% बंदा भी रोज लॉग इन करता है और उसके सामने वो दिखती है और उसमें से 10% भी खरीद लें
तो उनको तो बैठे बैठे एक मिशन आ रही है। अब उनकी अपनी रीच उतनी कंपनी की है नहीं कि भाई वो उन लोगों तक पहुंच सके, उसके कॉन्टेक्ट में नहीं है ना वो सारे, इसके तो क्या है क्लाइंट। अब ऐसे फिर इसको बैंक को या direct.com को बदले में इस सर्विस के कमीशन चाहिए होगी, तब वो ये काम करेगा। और बाकी फिर पर्सनल बैंकर भी होते हैं आजकल बैंकिंग में, जो बैंक में ही होते हैं, वही ब्रांच में होते हैं, वो फोन कर देते हैं क्लाइंटों को, सर बहुत अच्छे डिबेंचर्स आए हुए थे, बड़ी स्टेबल कंपनी है, तो मैं तो कहूंगा जितना मैक्सिमम आप करना चाहें कर लें, हमारी FDIOं से तो बहुत अच्छा, अपनी बेइज्जतियां भी साथ में कर रहे होते हैं, हमारा बैंक क्या दे रहा है आपको 6.75, इसमें आप 8.25 लोगे, AAA+ है, क्रिस्टल केयर, सबने अच्छा स्टार दिया हो इसको। फिर क्लाइंट कहेगा मैं लड़का भेज देता हूँ, फॉर्म पे पहले ही टिक लगा हुआ है, वहां वहां साइन मार देना, बाकी आपकी ID मेरे पास आई है। हाँ एक बात सर, चेक जरूर लगा देना साथ में, और फॉर्म भर के ना भेज देना। अब इतना वो कर रहा है बेचारा, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको उसके बैंक ने कहा है कि भाई ये बिकवाने हैं, तेरा टारगेट है 50 लाख के बिकने चाहिए तेरे थ्रू, ता तेरे को भी इंसेंटिव आएगा, हमें भी आएगा, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर एक्सपेंसिव ऑफ इश्यू, ठीक है। अब मैं किसी क्वेश्चन में बनाता हूं इसको, थोड़ा बदलते हैं केस को। अब लिखो रेट बदल दो, 9% डिबेंचर पार वैल्यू ₹1000, 9% डिबेंचर पार वैल्यू ₹1000, इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, इश्यू एक्सपेंसेस 2% द्वारा, 9% डिबेंचर है बेटा, पार वैल्यू ₹1000 है, लिखा यहां तक, इश्यू डेट ए प्रीमियम ऑफ 5%, और इश्यू एक्सपेंसिव कितने 2%। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है, मैं इसकी एक एक चीज आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। पहली चीज है इंटरेस्ट, 1000 × 9% 90, फिर है जी आपका क्या भी नेट प्रोसीड्स का मतलब है इश्यू प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू प्राइस इज 1050। नाउ वेट, प्लीज अपने आप कुछ ना करना, थोड़ी हल्की डिस्कशन है। इश्यू प्राइस ठीक है 1050 क्योंकि प्रीमियम पे था। अब इश्यू एक्सपेंसेस है 2% और उसमें हमने जानबूझ के ऑफ नहीं लिखा कि 2% ऑन पार वैल्यू या कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन भी ऐसे ही करते हैं वो ना, इनके साथ कुछ नहीं लिखते, उन्हें पता होता है कि जब हम लिख देंगे फिर तो ठीक ही होएगा, अब नहीं लिखेंगे तो मजा तो तभी आएगा। तो फिर उन्होंने आपकी मतलब सेंस चेक करनी होती है कि आप क्या अजम्पशन लेते हैं। हाँ जी भाई, 2% ऑफ 1000 होना चाहिए या 2% ऑफ 1050 होना, क्यों भाई, पार वैल्यू तो 1000 है। शाबाश, यही सोच होनी चाहिए कि जिसने बिकवाए हैं उसने तो उसी रेट पे कमीशन लेनी है जितने बिकवाए हैं। और जिसका प्रॉपर्टी डीलर होता है उसको हम ये कहें कि प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख है, ये सरकारी वैल्यू है, इतनी मिनिमम दिखानी पड़ती है, और आप डिमांड रखो 2/25 की, तो प्रॉपर्टी डीलर ने डील करा दी 200 लाख की, तो ये तो अब चंडीगढ़ में तो ये डिस्कस ही नहीं होता। जो किसी डीलर को कई बार फोन पे ही हम कह देते हैं यार ये नंबर है बिकवाओ यार इसको, फिर मैं किसी दिन आपके ऑफिस आके मिल लूंगा, आप या तो चाबी ले लो ये वो, ये तो अपन डिस्कस भी नहीं करते कि कमीशन क्या होगी, वो तो पता ही 1% होगी, उसमें तो कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं है, 1% ऑफ द वैल्यू जिस पे डील होगी। अब अगर उसे कहें कि नहीं इसकी जो पार वैल्यू है सरकारी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो तो 150 है, वो कहेगा यार बाकी मैंने आपको ब्लैक भी दिलवाया, मैंने उस पर भी कमीशन तो लेनी हुए, समझे कि नहीं, वो तो ऑब्वियस है बेटा, जिस रेट पे डील होती है कोई चीज सेल होती है उसी रेट पे डीलर कमीशन लगा देते हैं। तो इसलिए हम भी ये मान के चलते हैं कि भाई हमारा जो परसेंटेज असेस किया गया होगा वो इसके अकॉर्डिंग है, समझ रहे कि नहीं, मतलब कि इसी के अकॉर्डिंग फिक्स हुआ होगा ये परसेंटेज। हाँ ये पढ़ाई है, आपको पता पढ़ाई में एक ड्रॉबैक है कि अगर आप कोई भी चीज स्टोर कर लो उसकी एक्सेप्शन साथ खड़ी हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये कह दे ये एक्सेप्शन, मुझे तो एक्सेप्शन लगी नहीं, बच्चे पूछते हैं, अगर क्वेश्चन ये कह दे 2% ऑफ पार वैल्यू इस केस में, बेटा फिर तो कह ही दिया, फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर 2% ऑफ 1050 हो कैसे सकता कि जब आपको इतना उसने लिख दिया कि इश्यू एक्सपेंसेस 2% ऑफ पार वैल्यू, उसके बाद आपने 2% 1050 कर दिया,
इससे दो बातें प्रूव होती हैं, आपको एफएम भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब, अब इसके बाद अगर आप अजम्पशन लिखोगे इट इज नॉट मेंशन, हो गया भाई और कैसे मेंशन करूं, क्या लिखूं यहाँ पे, ऑडियो मैसेज डालें तेरे पेपर में, ठीक है, लिखा हुआ तो समझ आ नहीं रहा। तो 2% जो अब यहां होने लगा है, इसके नीचे हम छोटा सा एक नोट देंगे कि अभी हो रहा है जी 1050 पे, क्योंकि मेंशन नहीं है। हाँ जी बेटा, तो 1050 माइनस 2% 1029, ये आपका हो गया जी नेट प्रोसीड्स। बोलो भाई, एक छोटा सा नोट दे लें, लिखो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इश्यू एक्सपेंसेस परसेंटेज इज टू बी अप्लाइड, इश्यू एक्सपेंसेस परसेंटेज इज टू बी अप्लाइड ऑन, इश्यू एक्सपेंसिव परसेंटेज इज टू बी अप्लाइड ऑन इश्यू प्राइस। अब जी इसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्ट ऑफ द डेट निकालेंगे, बताएंगे जी देखो जी 90 का अपना इंटरेस्ट है, 1029 अपने को नेट आ गए, तो 90 डिवाइड बाय 1029 8.75 राउंड ऑफ कह सकते हैं, 746 जैसे भी बोलो भाई। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं, डेट मैंने वैसे ही बताया कि बहुत आसान है, पर बेटा जितना हम डेट में अभी गए हैं इतना आसान भी नहीं आएगा। टैक्स रेट तो दिया होता है, बच्चा सोचता है टैक्स रेट मतलब कि उसका क्या रोल है। सर ऐसा है ना कि भाई जिन कंपनियों ने या जिन बोरोअर्स ने इस डेट को इशू किया है उनके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट वही तो आप निकाल रहे हो, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेंस है और एक्सपेंस इनकम टैक्स में इनकम में से लेस होते हैं, फिर उसके बाद हमें टैक्स लगता, तो इससे टैक्स बेनिफिट पहुंचता, समझे। दोबारा सुनना सारी बात, जैसे आपने कोई बिजनेस के लिए खर्चा किया, बिजनेस के लिए खर्चा किया 10 लाख रुपए का, और प्रॉपर लीगल खर्चा है, यदि थोड़े को रिसीट है, प्रूफ है, सब है, बिल है, तो बिजनेस में डेबिट होगा ना पीएनएल में, होगा कि नहीं, और इनकम टैक्स के रिटर्न में भी क्लेम होगा। सेक्शन 30 से लेकर 37 तक बिजनेस एक्सपेंसिस की बात करते हैं कि वहां आप जाके बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर लो, समझ रहे कि नहीं। तो जब क्लेम होगा तो टैक्स बचेगा, टैक्स बचेगा तो फिर उस चीज को भी तो इसमें फैक्टर इन करना चाहिए ना। जैसे मैं समझाता हूँ डिटेल में, एक एग्जाम्पल में फिर लिखेंगे बाद में, जैसे कंपनी है जिसके 100 लाख के डिवेंचर है, इन पे 8% इंटरेस्ट है, तो ये कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर देती होगी पूरे साल में, 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट पर एनम दे देती होगी। बोलो, अब जब ये अपना पीएनएल बनाती है तो उसके अंदर इंटरेस्ट का खर्चा जाता है, जिहड़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है वो 8 लाख रुपए कम आएगा इसके बाद, बोलो भाई। और अगर ये ना होता, जैसे आप अपनी कोई इक्विटी फंडिंग ले आते हैं, क्योंकि देयर कैन बी अ सब्स्टिट्यूट ना, 100 लाख की इक्विटी ले आते, तो बिजनेस तो वही हो जाता, क्योंकि पैसा ये थोड़ा ना देखता है, प्रोजेक्ट ये नहीं देखता कि किससे आया तू, मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट ये है कि आपने अपनी फैक्ट्री की एक्सपेंशन करनी है, उसमें 100 लाख की जरूरत है, और 100 लाख ये भी है कि आप अपने भी डाल सकते हो एज ए इक्विटी शेयर होल्डर, या बैंक से ले सकते हो, तो 100 लाख से जो इनकम जनरेट होनी है ग्रॉस वाली, वो तो वही होनी है, चाहे उधार का लगाया चाहे अपना लगाया। सोच रहे हो पहले, कई बार बच्चे कुछ और ही सोचने लग जाते हैं ना, बेटा 100 लाख इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस, सोर्सेज आर मल्टीपल, मैं अपने भी डाल सकता हूं, मैं बैंक से भी ले सकता हूं, मेरी एलिजिबिलिटी है। अगर मैं अपने पैसे डालता हूं तो ये नहीं आएगा, क्योंकि उस पर कोई इंटरेस्ट वंटरेस्ट नहीं बनता, फिर 8 लाख रुपए इनकम ज्यादा आएगी, टैक्स रेट भी यहां ले आओ, अब उसमें से 30% सरकार ले जाएगी, समझ रहे कि नहीं। अब 8 लाख रुपए खर्चा हुआ, हम ये नहीं करेंगे खर्चा नहीं हुआ, पर इस खर्चे कारण टैक्स थोड़ा सा बचा, ये सोच के देखो, अगर इस खर्चे के साथ एक्स इनकम आ रही है, इस खर्चे के बजाय इतनी आनी थी, बोलो। अगर इस खर्चे को डेबिट करने के बाद तुम्हारा एक्स प्रॉफिट बच रहा है, और अगर ये खर्चा ना होता तो कितना होता, एक्स प्लस 8, ऑल अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। जैसे कई बार इकोनॉमिक्स के लॉ समझते वक्त ये वर्ड यूज करना पड़ता था, कि बिजनेस को पैसे की जरूरत थी, 100 लाख आना ही आना था, या मैंने लाना है या डेट ने लाना है, तो वाइल कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ द टू वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द डेट। ये डेट का पॉजिटिव इफेक्ट है कि डेट से टैक्स बचता है, उसका जिम्मेवार है इनकम टैक्स का एक सेक्शन
जिसे हम कहते हैं 36(1)(3). ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एट डिडक्शन प्रोवाइडेड कैपिटल इज बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ऐसा लिखा होता है 36(1)(3) में। भले कि अगर आप बोरो करोगे उधार लोगे कैपिटल को, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उसकी डिडक्शन मिलेगी, बस आपको यह प्रूव करना होगा कि कैपिटल बिजनेस के लिए बोरो हुई है, पर्सनल नहीं। समझेंगे नहीं, पर्सनल एक्सपेंसिस की तो डिडक्शन नहीं मिलती है, बिजनेस के लिए बोरो हुई है तो डिडक्शन मिलेगी। अब जिस तरह बच्चे अपने टेक्स्ट बुक्स वाले मोड वाले जेडे अपने वाले हैं, सुबह फाइनल में बैठे, कहते सर आपने यहां ब्रॉडबैंड लगवा लिया, मैं क्या, हाँ। कहते सर दो फायदे, पहले इनकम टैक्स में डिडक्शन, दूसरा जो इस पे जीएसटी लगेगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। भैया बेटा तुम तो यार सारी बातें पुरानी याद रख के बैठे होते हो, ठीक है। कहने सर अब जो बिल आएगा उसमें हमने जीएसटी पोर्शन तो अपनी फीस में से लेस करके हमने जमा करा देना है, और जो बेसिक बचेगा उसके बाद वो इनकम टैक्स वाले पी एंडल में जाएगा। बिल्कुल जाएगा बेटा, यही ट्रीटमेंट है। अब फिर नाले शुरू हो गए कुछ उसमें, कहते वो तो सर के घर पे भी लगा हुआ, मैं वो पर्सनल है बेटा, उसको नहीं क्लेम करना, ना ही उधर जीएसटी मिलना, क्योंकि तो पर्सनल कंजम्पशन होगी ना, बाकी फेक क्लेम करना हो तो बात अलग होती है, पर हम उन कामों में नहीं पड़ते, फिर तो हमें जीएसटी का नंबर भी ले लेना चाहिए था अगर वैसे काम चलाना होता, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या रहता है कि बच्चे की जो ये वर्डिंग्स होती है ना, कई बार एज ए टीचर अच्छा लगता है, भाई दोनों बता गया अगला, मेरे को तो पता था खैर, पर एक बार क्लास में कह गया पूरा, कहना इधर जेड़ा टैक्स इनवॉइस लवांगे अपना प्रॉपर, सर आपने जीएसटी नंबर दे दिया था ना कनेक्शन लेते हुए, हाँ बिल्कुल, कहना फिर उस पर हमें क्रेडिट भी मिल जाएगा, जिस तरह आपने बताया था कि भाई टैक्स इनवॉइस प्रॉपर होना चाहिए, जिस थोड़ा जीएसटी आ रहा हो, कंज्यूमर वाला बिल ना ले लें फिर तो नहीं मिलेगा भाई, ठीक है जी। और फिर बिल जो है उदे बेस पे आप इनकम टैक्स को क्लेम करेंगे। अब मैं तो ये कहता हूँ कि ये पॉइंट्स कोई हमने बर्डन लेके थोड़ा समझ नहीं, ये तो हमारे अंदर है यार। अब जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बच्चे, बच्चे को पता है कि वो खर्चा इनकम टैक्स में, फिर उस खर्चे का इफेक्ट तो कोई दिखा नहीं अभी तक, क्योंकि उस खर्चे से टैक्स बचना। अब आओ जी एग्जाम्पल में वापस, यहां तक समझ आया हो, टैक्स बचा के दिखाता हूं। अपने इंटरेस्ट कितना पे किया, 8 लाख। अब वो टैक्स सेविंग ड्यू टू दिस इंटरेस्ट हाउ मच टैक्स इज सेव्ड, 8 लाख का 30%, 2,40,000। भले अगर ये खर्चा आपके पास ना होता तो इतना तो आपको टैक्स ही लग जाता, समझ रहे कि नहीं। अब अगर मैं कहूं इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है आफ्टर टैक्स सेविंग, सर 8 लाख में से 2.4 हटा लें, क्या कॉस्ट रहेगी, 5.6। सच में ऐसा होता है बिजनेस में, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं ना, और अब कोई बड़ा खर्चा खुर्चा कुछ कर रहे होते हैं या खर्चे हमारे बढ़ रहे होते हैं, तो हमें एक अंदर से एक दिलासा से ही आ जाता है, चल इनकम टैक्स में तो अलाउ हो ही जाएगा, नहीं तो इतना तो सरकार को ही जाना था, समझे कि नहीं। अब 8 लाख का खर्चा तो हमने किया भाई, बिल्कुल है, बैंकों की कमाई तो हमने करवाई है, पर उसमें 2,40,000 रुपए तो बची गए टैक्स के, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि अगर यही किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा आता जिसकी कॉस्ट इनकम टैक्स में अलाउ ना हो पाती, देन यू विल पे दिस मच मोर एज टैक्स, समझे कि नहीं। अब 8 लाख आपने बैंक को पे किया बिल्कुल, 2,40,000 आपने बचा लिया जो गवर्नमेंट को देना था, तो नेट कॉस्ट इसकी 8 लाख नहीं ना बनती, नेट कॉस्ट कितनी बनी, 5.6। पहले आप इसी को लिखो, फिर इसको तोड़ते हैं, जैसे हमें चाहिए वैसे बाद में बनेगा। अब आपकी वो परपेचुअल डेट की हेडिंग में केस 1 क्या लिखा था आपने, कुछ लिखा था ना, जो पहले वाला फॉर्मूला जहां लिखा हो आई अपॉन कुछ लिखा हो, आई अपॉन एनपी, उसके साथ ना विदाउट बिफोर टैक्स लिख दो, उसके साथ जाके बिफोर टैक्स, मतलब ये टैक्स के बगैर था, ऐसा लिख दिया। अब लिखो आफ्टर टैक्स, बस एक बड़ी सी हेडिंग बना दो आफ्टर टैक्स, समझाऊंगा मैं ही क्या करना है। आफ्टर टैक्स एक हेडिंग बना दो, बना दिया। पहले तो एक एग्जांपल आएगा ऐसे वाला, लिखो 8% डिवेंचर्स और रुपीज 100 लाख, 8% डिवेंचर्स और रुपीज 100 लाख, फिर उसके बाद नीचे टैक्स रेट लिखो, अगली लाइन में टैक्स रेट 30%,
फिर थोड़ा बनाते हैं। देखो जी, इंटरेस्ट पर एनम 100 लाख इंटू 8%, 100 लाख इंटू 8% कितना इंटरेस्ट हुआ? 8 लाख। फिर देखो टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट, टैक्स की कितनी सेविंग हो रही है इंटरेस्ट के कारण? 8 लाख इंटू 30% कितनी भाई? 2,40,000 पक्का। अब लिखो इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, 5.6 तक पहुंचे आप? समझ आया? पहले ही देख लो, बुक वालों ने इसका एक फॉर्मूला बनाया वो शॉर्टकट में, उसमें ही डायरेक्ट आ जाता है। बुक वाले ये कहते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट के साथ 1 माइनस टैक्स कर दो तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट आ जाती है। दिस इज इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। ये सर देखो, आपने भी यही किया, ठंडे दिमाग से सोचो। ये देखो हमने ऐसे दिखाया, इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, यही किया। और वो टैक्स बेनिफिट कैसे आता? इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का रेट लगा के। मैं आपके लिए दोबारा कर देता हूं सारा। इंटरेस्ट था 8 लाख, 8 लाख था। अब मैं उसमें से उसका टैक्स बेनिफिट माइनस करवा रहा हूं आपसे, तो मैं कैसे करूंगा? पहले मैं आपसे पूछूंगा बेटा इंटरेस्ट बताओ कितना, टैक्स का रेट बताओ कितना, यही कर रहा हूं। अब अगर इस चीज को इतनी डिटेल में जाने के बजाय ऐसे कर दो तो भी तो हो जाएगा, ठीक है? जितना खर्चा भाई टैक्स रेट लगा लो उतना बचेगा। अब जिस तरह कोई बिजनेसमैन आपका क्लाइंट है, सीए साहब बैठे हैं, तो सीए आजकल बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, उन ऑडिट ये वो बोले तो यार कम ही चलते हैं सीए सच में, जो कहें जो हम तो बस ऑडिटिंग ही करनी है। आजकल तो सीए वो चल रहे हैं जिनकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अब बिजनेस में एडवाइस भी देनी शुरू कर देते हैं, कई फालतू की भी दे देते हैं, आप नॉलेज भी नहीं होती फिर भी दे देते हैं, ठीक है? कई बार आप कहते हैं सर आपकी ना ब्रांडिंग ठीक नहीं है बिजनेस की, कि अपीयरेंस नहीं है, मार्केट च पता नहीं है थोड़े बारे, ऐ जी गाइडेंस दे लेते हैं। क्लाइंट को गुस्सा भी आ रहा होता है अंदर से कि इनडायरेक्टली तो बेइज्जती कर रहा, ठीक है? फिर कहते हैं आप बता दो फिर कैसे कर लें। फिर ऐसे सीईओ के पास जुगाड़ पूरे होते हैं, कह फलानी डिजिटल मार्केटिंग फर्म है, ये भी हमारी सिस्टर कंसर्न ही है, मतलब हमारे पार्टनर्स हैं जो इसमें भी हैं, तो वहां से ब्रांडिंग करवाते हैं आपकी, तो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग ये वो ब्रांड प्रमोशन ही ना पैकेज ही स्टार्ट होते हैं 50,000 रुपए पर मंथ मिनिमम, फिर ऊपर अपर रेंज तो कोई होती ही नहीं कि आपकी फेसबुक पे भी एड चलाएंगे, फिर अगर आपका बजट अच्छा हो एफएम एड्स भी होंगी, होर्डिंग्स भी होंगी और इवेंट्स करवाते रहेंगे, मतलब बहुत कुछ करेंगे ताकि आप पॉपुलर हो जाएं। मान लो जी आपका क्लाइंट मान गया आपकी भड़काने वाली बातों से, तो आप बजट भी उसने 5 लाख रुपए पर मंथ वाला सिलेक्ट कर लिया, तो फिर क्लाइंट होते लाला जी अंदर से पूरे कहते 60 लाख रुपए लग जाने सर इसमें, सीए तो नहीं सर 60 नहीं 42, 60 लाख नहीं 42, कहेगा सर कंपनी अकाउंट में बिल जाने सारे, अपने 30% तो टैक्स बच जाना। लाला जी कई बार ना समझ नहीं पाते क्योंकि पहले ही बहुत हैंग हो चुका होता सारा दिन सुन सुन के कि पता नहीं केड़ी गल्लां च पाई जा रहा है, कहते कैसे मतलब? सीए कहता जी पक्के बिल आएंगे वहां से तो वो हम क्लेम करेंगे। सेक्शन 37 के अंदर एडवर्टीजमेंट में कई साल पहले कुछ लिमिट होती थी, अब तो लिमिट भी नहीं है कि जितनी मर्जी करो, तो 18 लाख रुपए का तो टैक्स बच गया कि अगर आप ब्रांडिंग नहीं करोगे तब भी आप प्रॉफिट में तो हुई हो तो उस पर टैक्स दोगे, तो 18 लाख रुपए का तो टैक्स बच गया। 60 में से 18 गए, नेट कॉस्ट क्या रहेगी? 42। फिर एंड में क्लाइंट को लगता है कि अब बहुत बेइज्जती होगी, जे अब ये कह दिया ना समझ नहीं आया, अगला कहेगा यार खत्म है बंदा, ठीक है? तो फिर वो कहता अच्छा फिर तू देख लेगा ना भाई किस तरह रिटर्न के वक्त देख लोगे कोई दिक्कत? हाँ हाँ देख लेंगे जी, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? अब अगर आप देखो ये एडवर्टीजमेंट के खर्चे का भी यही किया जा सकता था बेटा, ये तो सिंपल सी बात है कि दिस इज नॉट दी की भाई फॉर्मूला जिसकी कोई डेरिवेशन होगी बहुत सॉलिड वाली, ये तो नॉर्मल है। आप सीधे रस्ते के करने के बजाय आप कह रहे हो यार अच्छा यार 70% बर्डन ही पड़ना है एक तरह से, कि 30% तो मैंने क्लेम कर लेना बेनिफिट, ठीक है? अब मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि इस मॉडल का जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट अगर टैक्स के साथ निकालनी हो तो आप घर जाके चाहे मॉड्यूल देखना, ये फॉर्मूला है बेटा। उसमें बच्चा ना थोड़ा डाउट ले लेता है, ये सीधा लिखवा दो, अब तो हम भी लिखवा रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स है परपेचुअली, परपेचुअल डेट की आफ्टर टैक्स कॉस्ट का ये फॉर्मूला, जो एग्जांपल हमने इतना चलाया हुआ है 100 लाख वाला,
वही सॉल्व करके देखते हैं इस पे। ये तुम्हें समझ आ गया आई के बीच साथ वन माइनस टैक्स क्यों लगा? क्योंकि हमने इंटरेस्ट की अब ग्रॉस कॉस्ट नहीं नेट कॉस्ट लेनी है टैक्स बेनिफिट कंसिडर करने के बाद। और जो बात आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं पता नहीं तुमने कितने ही क्लाइंटों को समझानी है बेटा, क्योंकि जो सीए बन के तुम्हारा दिल है कि यार तुम ना कुछ ऐसा करो कि जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट भी बना रहे और पैसे भी बहुत ज्यादा कमाओ, फिर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में बहुत ज्यादा पैसा होता है, पर बंदा इसके लिए ना इंटेलिजेंट चाहिए होता, स्लो नहीं फास्ट। ठीक है जी, आप क्लाइंटों को ले जाया करोगे बैंक में, जैसे आप बैंक में इंट्रोड्यूस करोगे ये लाला जी हैं जी, इनके चार स्कूल हैं ऑलरेडी, अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप करने जा रहे हैं, तो चारों स्कूलों का मिला के जो टर्न ओवर है वो 25 करोड़ का है। जिहड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप होने जा रहा है उसके लिए बैंक को कहोगे जी 15 करोड़ की फंडिंग चाहिए, बाकी लाला जी के पास है, तो 15 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे फिर आप, समझ रहे नहीं? और उसमें रेट पता क्या है, जो आप अच्छे नाम वाले प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और फाइनेंस कराने वाले 1%, मतलब 1% आपका 15 करोड़ का सीधा, जैसे ही वो लोन हो गया। सोच रहे हो 7 करोड़ तक तो मैं भी पहुंच गया था बेटा जब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में थे पहले 3 साल, पर अपन उत्थे भी रेट यारी दोस्ती वाले कर लेते थे, 7 करोड़ का 1% तो 7 लाख होता है तो मेरे को वहां 1.5-2 तक मिल जाते होते थे, पर वो काम भी ये होता था कि 2-2.5 महीने आपने लगे रहना है तो जाके उस काम ने होना, बैंकों के चक्कर लगाने हैं, डीजीएम तक मिलना है, 100 तरह के अप्रूवल नहीं है प्रोजेक्ट के, वो भी सब कराना है, लाला जी के साथ भी मीटिंग है। फिर कई बार जब हम उन्हें लेके जाते हैं तो दिखाते हैं कि ये देखो जी ये बैंक का जो डीजीएम है फलाना, ये अपना नोन है, ये है वो है, तो लाला जी बाहर निकलते हैं, भाई रेट बहुत ज्यादा लगा दिया यार इसने, फलाना यूबीआई बैंक में था मेरा दोस्त, वो तो बड़ा सस्ता कह रहा था। कह लाला जी बेस्ट रेट लगाया, कहीं भी ट्राई कर लो, इससे कम नहीं होना ये। लाला जी फिर भी 11% बहुत है यार बिजनेस लोन के लिए। सीए कहता सर 11 तो है भी नहीं है, आप एमी 11 की जा रहे हो, 7.7 है, टैक्स बेनिफिट एडजस्ट कर देते हैं सीए ते, बहुत तेज कौम है सीए बेटा, आम बंदों को तो पता ही नहीं चल रहते, इन्हें तो अलग कौम माना गया हमेशा से कि लाला जी कहते वो कैसे, वो तो अभी 11 बोल रहा है, वो तो ये कह रहा है कि फलाना फलाना भी ये भी होगा, ज्यादा भी हो सकता है अगर आपकी रेटिंग ठीक ना आई, वो जो मर्जी बोली जाए 11 उसने करना है, उसको भी जाएगा थोड़ा बहुत सेटिंग आएगी उसकी भी। ठीक है जी, तो ये इतना ही पढ़ना हमें। अब ये कैसे कर दिया आपने, टैक्स एडजस्ट कर दिया, क्योंकि आपने 30% टैक्स एडजस्ट करके लाला जी को रेट दे दिया। जे लाला जी थोड़ा पूछ लें तो बता दिया जाता है कि इसमें टैक्स बच जाएगा जितना भी लोन ले रहे हैं। अब आप ये देखो, ये बात पता नहीं कितनी दुनिया को आपने बतानी है, और इफेक्टिव रेट इसी ये लेके चलते हैं, कोटेड रेट रूट तो कहते हैं, तो क्लाइंट डर जाएगा लोन ही लेगा इस पे, तो क्योंकि उसे समझाया जाता है ना कि भाई तेरा बाद में टैक्स भी तो बचना ही है, अब तो अपने पैसे डाल के कर ले। एक तो पहली बात अब पैसे ही नहीं है, चीज ही नहीं बननी, जब बिजनेसमैन ऐसा होगी फाइनेंस नहीं लूंगा फिर तो छोटे बिजनेस होते हैं बेटा, फिर अगर है भी तो उसमें गवर्नमेंट को दोगे, समझ रहे कि नहीं? तो जे लग रहा है तो थोड़ा सा टैक्स भी तो बच रहा है। अब अगर अपने केस में आओ, तुम्हारा भी 100 लाख का लोन था जो केस चल रहा है, 8 लाख का इंटरेस्ट था, 8 लाख ही है ना, यहां हमें पुट करना है 1 माइनस, बोलो भी 1 माइनस टैक्स रेट, तो दिस विल बिकम, ये आपको अब इतनी बार देख लिया आपने क्लास में वो तो आप समझ सकते हो कि सर 5.6 तो हमें याद हुआ पड़ा, तो इफेक्टिव रेट देखो जी कितना कम रह गया, 8% के बजाय 5.6, बिकॉज ऑफ क्या भी टैक्स बेनिफिट, जो टैक्स बेनिफिट वो बड़ी पावरफुल चीज है। बाकी टाइम जितना का अलाउ कर रहा है मैं उस हिसाब से समझा रहा हूं, कल इस टैक्स बेनिफिट की और बड़ी बातें बताई जाएंगी, जैसे सिर्फ इस तरह ही नहीं होता कि लाइक बिजनेस पर्पज से ही मिलता है, और सेक्शन है इनकम टैक्स में, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है वहां 24B सेक्शन है, वहां लोन लेंगे हम होम खरीदने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वहां भी बेनिफिट की बात होती है। तो अभी आज का टॉपिक जो वाइंड अप करें तो ये है, परपेचुअल डेट के दो केस देखे हैं आपने, एक तो बिना टैक्स के देखा वो आई अपॉन एनपी इनटू 100 है, एक आपने टैक्स के साथ देख लिया है, उसमें आई के साथ जो 1-T लगा वो बड़ी परमानेंट नॉलेज है, पता नहीं कितनी बार यूज होनी है। दिस इज नॉट ओनली फॉर इंटरेस्ट, जैसे मैंने बोला कि आगे अगर सिलेबस देखें तो एडवर्टीजमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये ब्रॉडबैंड चार्जेस, तो हर चीज में घुसा हुआ है। जो चीज आपकी टैक्स बचा सकती है उसकी फिर नेट कीमत ही हम लोग देखते हैं, समझ रहे कि नहीं? कि उसमें हम नेट बर्डन देखते हैं ना, कि पीएनएल पे नेट यही बर्डन आया, और नो डाउट इसके बगैर प्रॉफिट ज्यादा होना था, हम ये मना नहीं करते, पर उस पर टैक्स भी ज्यादा लगना था। तो इट इज रॉन्ग टू से कि अगर ये कॉस्ट ना होती कि 8 लाख रुपए प्रॉफिट बढ़ जाता, 8 लाख ना बढ़ता बेटा, 5.6 ही बढ़ता, क्योंकि 2.40 तो
नलायक पार्टी कहती मोदी जी ले जाते हैं, चलो भी जेड़ा मर्जी ले जाता है, ठीक है जी। वो पैसा काम आना चाहिए, वो बुरा लगता है जब पैसा काम ठीक जगह पे नहीं आता। टैक्स देने में कोई वो नहीं है, जीएसटी भी जमा कराने में वो नहीं है, बस जो मोटिवेटिंग फैक्टर कई बार नहीं बनता आम लोगों का वो ये होता है कि इसकी ठीक यूसेज नहीं होती। पर जो इतना सारा हिंदुस्तान ही सोच ले ना बेटा, फिर तो देश बर्बाद हो जाए, फिर जो आर्मी का बॉर्डर गार्ड करने का रोज का खर्चा वो कितों मैट होगा, समझे कि नहीं। इतने जड़े जनता के लिए अस्पताल खुले हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, चाहे जो मर्जी बजा लो यार, अगर सारे ये सोच बना लेना कि भाई हमने तो कच्चे में ही काम करना है, फिर तो काम ही नहीं हो सकता, देश रुक जाएगा। इसलिए टेक्स्ट बुक्स भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है जी भाई, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।